नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर रावत चौधरी आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल यश होम्योपैथिक सेंटर जोधपुर में हार्दिक स्वागत करता हूँ। दोस्तों, कुछ समय पहले मैंने डायबिटीज़ के ऊपर वीडियो बनाया था जिसके अंदर हमने डिटेल में बात की कि डायबिटीज़ क्या होती है और डायबिटीज़ हमारे शरीर में क्यों हो जाती है, क्या इसके सिम्टम यानी क्या लक्षण आते हैं और क्या इसका बेस्ट पॉसिबल होम्योपैथिक ट्रीटमेंट है। अगर आपने वीडियो नहीं देखा है तो मैं उसका लिंक ऊपर शेयर कर देता हूँ। इसी तरह से दोस्तों, मैंने नेक्स्ट वीडियो और बनाया था कि अगर आपको डायबिटीज़ हो गया है तो उसके अंदर कौन कौन सा डाइट है, यानी आपको अपने खाने पीने के अंदर कौन कौन सी चीज़ों का परहेज करना है और क्या चीज़ें हैं जो आपको ज़्यादा लेनी चाहिए जिससे कि आपकी डायबिटीज़ बेटर वे में कंट्रोल रहे। उस वीडियो को भी आपको जरूर देखना चाहिए अगर आपको डायबिटीज है तो। उस वीडियो का भी मैं लिंक ऊपर शेयर कर देता हूं। दोस्तों, आज इस वीडियो में हम बात करेंगे कि किस तरह से हमारी क्लिनिक पे एक पेशेंट आए, हमने उनके कुछ सिम्टम्स लिए, क्या कंप्लेंट्स वो हमारे पास लेके आए और हमने कौन कौन सी होम्योपैथिक मेडिसिन यूज की जिससे कि उनका डायबिटीज जो है आप कह सकते हैं कि बहुत ही अच्छी तरह कंट्रोल हो गया है और अभी हालांकि उनकी मेडिसिन अभी हमने कंटिन्यू रखी हुई है। दोस्तों, इस केस के अंदर मैं आपको ये और बताना चाहूंगा कि इस केस के अंदर ये जो हमारे पास पेशेंट है इनके अंदर कोई भी तरह की एलोपैथिक मेडिसिन डायबिटीज को कंट्रोल करने के लिए यूज नहीं की गई, यानी इतना बड़ा हुआ जो डायबिटीज का लेवल था ये सिर्फ होम्योपैथिक मेडिसिन से ठीक हुआ। दोस्तों, हमारे पास क्लिनिक पे एक पेशेंट आए मिस्टर रविंदर, जिनकी एज ऑलमोस्ट 63 ईयर्स थी और ये हमारे पास जो कंप्लेंट्स यानी शिकायत लेके आए वो कुछ इस तरह थी कि इनको प्यास बहुत ज्यादा लगती थी, इनको बार बार यूरिन यानी पेशाब बहुत ज्यादा लगता था और खास करके रात के समय यूरिन ज्यादा लगता था, इनको जो है भूख बार बार लगती थी, खाना खाने बाद भी कि भूख बार बार लग रही है और शरीर में बहुत ज्यादा थकावट कमजोरी सुस्ती बनी रहती थी। ओवरऑल बॉडी के अंदर जो है ओवरऑल आप कह सकते हैं कि जो है मसल्स के अंदर एनर्जी नहीं फील होती थी, फटीग सुस्ती वीकनेस इस तरह की सी बनी रहती थी। ये सारे सिम्टम्स दोस्तों, अगर आपने मेरा डायबिटीज वाला वीडियो देखा है तो आप समझ सकते हैं कि ये कहीं ना कहीं आपके डायबिटीज के सिम्टम या लक्षण इंडिकेशन करते हैं। इसी के साथ में जैसे इनके हाथ और जो पैर है इनके अंदर मांसपेशियों में मतलब हर टाइम एक दर्द सा बना रहता था, जैसा मैंने बताया आपको यूरिन खूब आता था लेकिन पर्टिकुलरली नाइट में इनको बार बार यूरिन के लिए बहुत ज्यादा उठना पड़ता था। इसी तरह से इनके पेट के अंदर भी जो है हर टाइम थोड़ा हवा सा भरी रहती थी, यानी आप कह सकते हैं कि पेट में ऐसे लगना कि हर टाइम गैस बनी हुई है और इनको प्यास काफी ज्यादा लगती थी और दोस्तों जो मतलब यूरिन है वो काफ़ी ज़्यादा आ रहा है। जब बार बार यूरिन होता है तो उसके कारण क्या होता है, आपकी जो जीभ यानी टंग है मुंह के अंदर भी हमेशा सूखापन बने रहता था और आपने खाना खा लिया उसके बावजूद भी बार बार भूख लगना, ये सारे सिम्टम्स जो है इन सबको देखते हुए हमने दोस्तों इनका ब्लड टेस्ट करवाया और जैसा कि मैंने मेरे लास्ट वीडियो में बताया कि डायबिटीज़ के लिए जो बेस्ट ब्लड टेस्ट होता है वो HbA1c होता है। और दोस्तों, इस रिपोर्ट्स के अंदर आप देख सकते हैं कि जब हमने इनका HbA1c टेस्ट कराया जो 19 अप्रैल 2019 को कराया, इसके अंदर आप देख सकते हैं कि इनका जो HbA1c है ये दोस्तों 8.1 था जो कि बहुत ज्यादा होता है और रूटीन के अंदर इसकी जो रेंज है यानी वो 6.5 तक अगर ये रीडिंग आती है तो उसको नॉर्मल माना जाता है और 6.5 से लेके 7 तक की है मतलब आप डायबिटीज की तरफ मूव करना शुरू होते हो और अबव 7 होता है तो इस चीज को इंडिकेट करता है कि आपको डायबिटीज का आप ट्रीटमेंट या दूसरे प्रिकॉशंस की जरूरत है। तो आप देख सकते हैं कि इस रिपोर्ट के अंदर इनका डायबिटिक लेवल काफी ज्यादा आया, HbA1c 8.1 था। इसी तरह से जो मीन प्लाज्मा ग्लूकोज था यानी जो एवरेज शुगर लेवल होता है 3 महीने का वो 183 था, जिसकी की जो रीडिंग है 116 या 120 तक इसको नॉर्मल माना गया। दोस्तों, हमने इनका ट्रीटमेंट शुरू किया और नेक्स्ट रिपोर्ट के अंदर आप देख सकते हैं जो हमने कराई 16 फरवरी 2020 को, इसके अंदर आप देख सकते हैं कि हमें कितने अच्छे रिजल्ट्स मिले। इसके अंदर इनका जो HbA1c 5.5 हो गया जबकि जो टारगेटेड होता है वही 6.5 होता है और जो पहले 8.1 था वहां से ये 5.5 हो गया, यानी बिल्कुल नॉर्मल रेंज के अंदर इनका जो शुगर लेवल जो HbA1c रीडिंग है ये आ गई। इसी तरह से जो मीन प्लाज्मा ग्लूकोज है ये पहले जो 183 था वो भी आप देख सकते हैं कि 105 आ गया। तो दोस्तों, दोनों ही पैरामीटर्स में आप देख पा रहे हैं कि कितने अच्छे रिजल्ट्स मिले हैं और ओवरऑल जो इनकी कंप्लेंट्स थी उसमें भी इनको बहुत अच्छा सुधार आ गया। दोस्तों, इस तरह से आपने देखा कि सिर्फ होम्योपैथिक मेडिसिन यूज करने में, जैसा मैंने आपको शुरू में बताया, इस केस में कोई भी हमने एलोपैथिक मेडिसिंस यूज़ नहीं की क्योंकि ये फ्रेशली डायग्नोस केस था, पहले ये कोई एलोपैथिक मेडिसिंस भी नहीं ले रहे थे तो हमने इनको एडवाइस किया कि एक बार आप सिर्फ होम्योपैथिक मेडिसिंस ही लीजिए क्योंकि अभी तक आपने कोई दूसरी ट्रीटमेंट नहीं ली हुई है तो हम नहीं लेंगे और देखते हैं आपकी बॉडी कैसा रेस्पॉन्ड करती है। और इस वीडियो में आप देख सकते हैं इन रिपोर्ट्स के साथ में कि इनकी बॉडी ने कितना अच्छा रेस्पॉन्स किया और सिर्फ होम्योपैथिक मेडिसिन से इनका जो शुगर लेवल है बिल्कुल कंट्रोल हो गया। दोस्तों, अगर हम बात करें कि कौन कौन सी मेडिसिन यूज की गई तो जैसा मैं हमेशा कहता हूं दोस्तों कि होम्योपैथी के अंदर हर पेशेंट के लिए अलग मेडिसिन यूज होती है, सेम बीमारी अलग अलग पेशेंट्स के लिए अलग अलग मेडिसिन यूज की जाती है। इस केस में लेकिन आपके नॉलेज के लिए कि हमने कौन कौन सी मेडिसिन यूज की इनके सिम्टम्स को देखते हुए, तो सबसे पहली बात जो डायबिटीज की स्पेसिफिक
मेडिसिन है वो हमने यूज़ की, वो है साइजीजियम जेम्बोलिनम मदर टिंचर, इसको हमने यूज़ किया। साथ में हमने एसिड फोर्स मदर टिंचर है उसको भी यूज़ किया। और दोस्तों नेक्स्ट मेडिसिन हमने यूरेनियम नाइट्रिकम 30 उसको भी यूज़ किया। दोस्तों डोज की बात करें तो हमने साइजीजियम और एसिड फोर्स मदर टिंचर इनको मिक्स करके दिया, और इसकी 25 ड्रॉप्स दिन में 3 बार, यानी 25-25 बूंद दिन में 3 बार, खाना खाने से पहले, यानी ब्रेकफास्ट से पहले आधा घंटा पहले, लंच से आधा घंटा पहले, और डिनर से भी आधे घंटे पहले साइजीजियम और एसिड फोर्स को मिक्स करके 25 ड्रॉप्स 25 बूंद एक कप गुनगुने पानी में मिक्स करके छोटी छोटी बूंद सिप बाय सिप हमने दिन में 3 बार इनको रिकमेंड किया। नेक्स्ट मेडिसिन हमने इनको रिकमेंड की यूरेनियम नाइट्रिकम 30। दोस्तों इसको 30 पोटेंसी में सुबह शाम दिन में 2 बार यूज किया गया, और इन मेडिसिन से आपने देखा कि कितना अच्छा रिजल्ट इनके केस में हमें देखने को मिला। दोस्तों डायबिटीज के लिए और भी बहुत सारी होम्योपैथिक मेडिसिन होती है जो एज पर नीड एज पर सिम्टम्स केस टू केस यूज की जाती है और आपके डॉक्टर आपको रिकमेंड कर सकते हैं। इस वीडियो के थ्रू मैं आपको सिर्फ यही मैसेज और कॉन्फिडेंस देना चाहता हूं कि अगर आपको डायबिटीज है तो आप अपनी डाइट का ध्यान रखें और अपने डॉक्टर के पास में जाएं, अपना सिम्टम्स और जो प्रॉब्लम्स है उनको इन डेप्थ डिस्कस करें, और जो मेडिसिन आपको दी जाती है उसको पेशेंस के साथ आप कंटिन्यू करें। और मोस्ट ऑफ द केसेस के अंदर ये देखा गया है कि डायबिटीज के अंदर होम्योपैथी के बहुत ही अच्छे रिजल्ट्स देखने को मिलते हैं। और सबसे अच्छी बात कि दोस्तों अगर आपकी बॉडी अच्छी तरह से रेस्पॉन्ड करती है तो बहुत से केसेस में हमने ये भी देखा है कि डायबिटीज की जो मेडिसिन है अगर होम्योपैथिक से अगर आपका डायबिटीज कंट्रोल होता है तो शायद आपको मेडिसिन की ज़्यादा जो है बार बार लेने की जरूरत भी नहीं पड़े और आपको लाइफ टाइम दवाइयाँ नहीं खानी पड़े। जैसा मैंने बताया केस टू केस वेरी करता है, हर बॉडी और हर पर्सन के केस में अलग अलग रिजल्ट्स आते हैं, बट आपको जरूरत है अपने डॉक्टर के टच में रहें और प्रॉपर ट्रीटमेंट लें। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूं आज इस वीडियो के अंदर जो मैंने आपको डायबिटीज के ऊपर जानकारी दी है ये आपको पसंद आएगी और आपके लिए लाभकारी साबित होगी। इसी तरह से मुझसे जुड़े रहने के लिए मेरे यूट्यूब चैनल यश होम्योपैथिक सेंटर जोधपुर को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं जिससे मैं जैसे ही कोई वीडियो डालूं आपको नोटिफिकेशन मिल सके। थैंक यू।